हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का द इनो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआर 09 का लेसन 11 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मोड़ टर्निंग पॉइंट्स के बारे में। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला। इस आज़ादी के अगर आप सफर को देखोगे तो एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा, जिसके अंदर में काफ़ी सारे लोगों का बलिदान था, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। इस आज़ादी के दौर में काफ़ी सारे आंदोलन किए गए, क्रांतिकारी मूवमेंट चलाए गए, जिसके बाद आज़ादी मिलता है। अगर आप उन सभी आंदोलन मूवमेंट्स को अगर आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा पल बना जहां से ब्रेक थ्रू मिला उस आंदोलन को, वहां से उस आंदोलन का विकास बहुत तेजी से हो सका और पूरा आंदोलन के अंदर परिवर्तन देखा गया। तो इस चैप्टर के अंदर में हम उसी टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे उस आंदोलन का स्वरूप में परिवर्तन आया और हमें आज़ादी मिल पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को डिटेल में समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर में दो टॉपिक हमें स्टडी करना है, एक हैगा हमारा रॉलेट एक्ट और दूसरा हमारा रहने वाला सत्याग्रह। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, किसी तरह का बिना कानूनी कार्रवाई किए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, ऐसा प्रावधान लाया गया। इसका मेन रीजन क्या था कि बहुत सारे लोग क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, अंग्रेजों को हानि पहुंचा रहे थे, और उन्होंने उनको दबाने के लिए, उनके शांत करने के लिए, जो क्रांतिकारी लोग थे उनको शांत करने के लिए यहाँ पे ये एक्ट पास किया गया, जिससे उनका गिरफ्तार किया जा सके, बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में रखा जा सके, जिससे जो भी वो गतिविधि कर रहे हैं वो रुक सके और लोगों के बीच में जो भी आक्रोश की भावना जग रही है वो वहां पे दबाया जा सके। इसके कारण से रॉलेट एक्ट पास किया गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अगर आप देखोगे तो मार्च 1919 में गांधी जी ने अपना प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह शुरू कर दिया था कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, कि भाई रॉलेट एक्ट को वापस लो। इसके कारण से शुरू किया गया। इसका रीजन ये था कि जितने भी लोग, जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, जो भारत की आजादी चाहते थे, स्वशासन की मांग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से क्रांतिकारी मूवमेंट की स्टार्ट करते थे। कोई नरम दल से था, कोई गर्म दल से था, कोई शांति की बात करता था, कोई लड़ाई झगड़े की बात करता, तो अलग अलग तरीके से सब अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और अपना क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट कर रखे थे। अब क्या होता है कि अंग्रेजों के मन में यह था कि अगर ये इस तरीके से चलेगा तो हमें नुकसान पहुंचने वाला है, ठीक है, हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो उसके कारण से इन्होंने ये एक्ट लाया कि जिसके बाद जो भी लोग, जो भी इस तरह के क्रांतिकारी लोग हैं, उन पे बिना किसी तरह के कानूनी कार्रवाई किए गिरफ्तार कर सके, उनके आंदोलन को दबा सके। तो जिसके बाद प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा मार्च 1919 में की जाती है। अगर आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जनता एक आशा कर रही थी कि सरकार शासन के बदले में कुछ सुधार करेगी। पीछे के चैप्टर जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से जो पूरा प्रथम विश्व युद्ध चला तो उसके अंदर भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ा, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, जिसमें लोग जो थे ना वो दो तरफे दो मत में बट चुके थे। एक मत का ये कहना था, एक आइडियोलॉजी का, हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, प्रथम वर्ल्ड वॉर के अंदर में हमें अपने सैनिक को भेजना चाहिए, हमें खुद जाकर वहां पर लड़ना चाहिए अंग्रेजों की तरफ से, ये कहना था कुछ लोगों का। पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो इसको मानने से इंकार करते थे, कहते थे कि नहीं, वहां पे हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, अंग्रेजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पर जो लोग अंग्रेजों की साथ देने की बात करें तो उनका मेन मोटिव ये था कि क्या पता हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में अंग्रेजों को अगर साथ देंगे तो हमें स्वशासन प्रदान कर देंगे, हमें आजादी दे देंगे, ये उनकी आइडियोलॉजी थी जिसके बेसिस पे उन्होंने इसके बारे में कहा। पर कहीं भी अंग्रेजों ने इसके बारे में बात नहीं रखा, अंग्रेजों ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भारत की जो दशा थी और दयनीय होती चली गई, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था कहीं ना कहीं भारत के ऊपर में बहुत बुरी तरह से झेलने के लिए मिला, चाहे बीमारी की बात करो, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करो, चाहे सामाजिक स्थिति की बात करो, चाहे राजनीतिक स्थिति की बात करो, हर तरीके से भारत को उनकी चीज उसका इम्पैक्ट झेलने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म होता है तो उसके बाद लोगों के अंदर में आशा थी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है, वहां पे ब्रिटिश सरकार है, वो हमें स्वशासन प्रदान करेगी, हमारे अंदर में जो स्वशासन की व्यवस्था है उसके अंदर में सुधार करेगी। पर इसके बारे में ये चीजें नहीं देखी गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अगर आप बात करोगे 1919 के अंदर में सुधार किया गया, सुधार के कुछ अधिनियम लाया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ही, जैसे जो भी लोग थे यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किए युद्ध के अंदर में, और उस टाइम पीरियड के अंदर में क्या हुआ, भारत के अंदर में जो क्रांतिकारी मूवमेंट था, आंदोलन था, वो बहुत तेजी से विकसित हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के पीरियड के अंदर में, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार था कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में बिजी था। तो जो इस टाइम पीरियड, जो यहाँ पे जो खाली टाइम पीरियड मिला ना, इस टाइम पीरियड के अंदर में जो भारतीय क्रांतिकारी विचारधारा थी, राष्ट्रवादी विचारधारा थी, वो बहुत तेजी से विकसित हुआ, भारतीय जनमानस तक पहुंच सका, और उसके बाद ये अंग्रेजी के ऊपर में एक दबाव बनाया कि वो एक सुधार अधिनियम पास करें जिससे लोगों के अंदर में संतुष्टि हो, लोगों को फायदा हो सके, इसके बारे में बात किया गया। पर जो सुधार आंदोलन अधिनियम तो पास किया गया, पर एक काफी लिमिटेड था, वो सीमित प्रकृति का सुधार आंदोलन था, जिसके अंदर में हर वर्ग के लिए चीजें नहीं थी और पूरी तरीके से चीजें नहीं दी गई, जिसके बाद यहां पे चीजें देखी गई, ठीक है। आगे आप बात करोगे तो बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर में आजादी के लिए हिंसक संघर्ष देखे गए, जहां पे हिंसक तौर पर आजादी को आगे बढ़ाने की बात की गई,
जबकि गांधी जी की अगर विचारधारा की बात करोगे तो अहिंसावादी थे, वो अहिंसा की राह पर आगे चलना चाहते थे, अहिंसा के मार्ग पे ही वो भारत को आजाद दिल करवाना चाहते थे, पर यहाँ पे पंजाब महाराष्ट्र और बंगाल के अंदर में हिंसक घटनाएं देखी गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन शक्ति का प्रयोग किया गया, वहां पर दबाने की कोशिश की गई, ठीक है, जिसके लिए क्या किया गया, जैसे जो क्रांतिकारी मूवमेंट था बहुत ज्यादा जब आक्रोश के रूप में आ जाता था तो वो मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंसक घटनाओं का रूप ले लेता था, जो सरकारी संपत्ति होती थी उसको जलाया जाता था। और आज भी ये चीजें आप देखते होंगे कई जगह पे, जैसे भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी मूवमेंट ना कहीं हिंसक संघर्ष में बदल जाता है, दो गुटों के बीच में आपस का झड़प के रूप में बदल जाता है। तो सेम चीज वहां पे देखा गया, और उस चीज को दबाने के लिए क्या किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा में, सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता के अंदर में एक रॉलेट कमेटी बनाई गई, जिसके बाद यहाँ पे रॉलेट एक्ट लाया गया। यहाँ पे जो सिडनी रॉलेट की जो अध्यक्षता में एक रॉलेट कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने दो ड्राफ्ट के विधायक उन्होंने पास किए थे, तैयार किए थे, मसौदा एक तरह से तैयार किया था, एक तरह से ड्राफ्ट था कि देखो देखो ऐसा ऐसा कानून है, ये चीज करना है। तो उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो पूरी एक कमेटी बनाई गई थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की जो पूरी एक कमेटी बनी थी, जिसमें भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया कि जो भी यहाँ पे ड्राफ्ट लाया गया ना उसका विरोध किया गया कि हम इस ड्राफ्ट को मानने से इनकार करते हैं, चीजें नहीं है सही, हमारे हित में नहीं है, इस तरीके से किया गया। जो भारत के सदस्य थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के अंदर में, पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो ब्रिटिश सरकार था उन्होंने ये अधिकार देने से मना कर दिया, और साथ साथ में क्रांतिकारी अपराधियों को दंड दे सके इसके लिए ये कानून को पास किया गया, जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोधी थे, गांधी जी के रॉलेट एक्ट के विरोधी थे, इसे जनता के लिए चुनौती तथा लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध माना, जो जनता है आम जनता उसके लिए कहीं ना कहीं चुनौती था, क्योंकि इस पे ऐसा नहीं था। जैसे आप देखो आज के समय में मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर कोई पुलिस वाला आता है आपको बोलता है कि आप हमारे साथ चलिए, आपको थाने में बुलाएगा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो क्यों कैसे क्या एफआईआर है, क्या रीजन है, कैसे है, वो कर सकते हो। पर वहां पे लोगों के जो अधिकार थे ना क्वेश्चन करने का, जो जनमानस जनतांत्रिक अधिकार था ना, जनतांत्रिक मतलब क्या, जन मतलब लोगों के और तांत्रिक मतलब व्यवस्था, तो लोगों की जो व्यवस्था का अधिकार था ना वो एक तरह से खत्म हो रहा था, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। अधिकार तो पहली बात तो गुलामी में कोई अधिकार होता नहीं है, बट फिर भी जो लोगों के अधिकार मिले तो उसका हनन हो रहा था। आपके ऊपर ये नहीं पूछा जाएगा भैया आपके ऊपर ये केस है, इतनी एफआईआर के अंदर में आपका ये चीज दर्ज है, ये इतने धारा के अंदर में आपके ऊपर ये वाला एफआईआर है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाना था। बिना कोई कानूनी कार्रवाई के डायरेक्टली यहाँ पे आपको जेल में डालने का था, गिरफ्तारी करने का ऑप्शन था, जिसके कारण से ये चीजें यहाँ पे की गई, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं, और गांधी जी का सिंपल सा कहना था कि ये जनता के लिए चुनौती थी और लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध माना गांधी जी ने इसको। अगर आप आगे बात करोगे रॉलेट एक्ट की, जो अवज्ञा के लिए उन्होंने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, गांधी जी ने क्या किया कि भैया हम रॉलेट एक्ट को नहीं मानेंगे, इसके लिए उन्होंने भारत के अंदर में अलग अलग जगह पे लोगों से सिग्नेचर करवाए कि आप ये बोलिए कि हम रॉलेट एक्ट को नहीं मानने वाले, उसके लिए सिग्नेचर कीजिए, और ये खुला पत्र जनता के लिए एक मतलब एक्ट के विरुद्ध में, जो ये रॉलेट एक्ट आया था उसके विरुद्ध में जनता के द्वारा एक खुला पत्र लाया गया, और पूरे सत्याग्रह के अंदर में शामिल होने की अपील की गई। जो भी लोगों ने मतलब सिग्नेचर किया कि हाँ भैया ये रॉलेट एक्ट गलत है, तो उसके द्वारा ये था ना मोटिव ये रखना था अंग्रेजों के सामने कि हम सत्याग्रह आंदोलन करने वाले हैं। और जो सत्याग्रह मूवमेंट था, ऑलरेडी गांधी जी का एक सत्याग्रह मूवमेंट सफल हो चुका था साउथ अफ्रीका के अंदर में, जिसके बाद उन्हें ये आशा था कि यहाँ पे जो सत्याग्रह मूवमेंट होगा वो ऑलरेडी सफल होने वाला है, क्योंकि पहले ही उनका पास एक्सपीरियंस था सत्याग्रह का कि किस तरीके से मूवमेंट को लीड किया जाना है, क्या इंपैक्ट रहना है, कैसे कैसे चीजें चलनी है, वो पहले से ही गांधी जी जानते थे। इसके कारण से ये था उम्मीद उनको कि भारत के अंदर में भी इसी तरीके से बढ़ने वाला है, तो एक यहाँ पे प्लस पॉइंट हम ये देख सकते हैं। तो गांधी जी द्वारा ये था कि रॉलेट एक्ट के अवज्ञा के लिए, उसके विरोध के लिए लोगों के द्वारा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। उस शपथ पत्र के थ्रू ये प्रूफ करने की कोशिश की गई कि जो भी लोग इसके अंदर हस्ताक्षर कर रहे हैं, और वो अपील था एक तरह से लोगों के लिए, अपील था कि आप हमारे सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होइए, जिसके बाद हम अंग्रेजों का विरोध कर सके, ठीक है, समझ में आता है। तो ये नॉर्मली आपका रॉलेट एक्ट आ जाता है, जिसमें किस किस तरीके से क्या चीजें आगे बढ़ती हैं। अब आगे हम बात करेंगे सत्याग्रह के आयोजन का, आगे का। जैसे देखो यहाँ पे सिग्नेचर तो करवा लिया गया कि भैया रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, आप भी विरुद्ध, आप भी विरुद्ध, और यहाँ पे हम सत्याग्रह आंदोलन करने वाले हैं, तो किस तरीके से क्या आयोजन किया गया सत्याग्रह आंदोलन का, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो भी एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल द ईनब और नव इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छे से वर्क कर पाते हैं, अच्छे से वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। और अगर आपके लिए वीडियो लगता है वैल्यूबल है, आप कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको अगर एमए हिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो आप फ्री में गूगल ब्लॉगर पे से ले सकते हैं। गूगल ब्लॉगर का आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी वहाँ पे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक है वहाँ पे गूगल ब्लॉगर का भी लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर आप वहाँ से नोट्स स्टडी कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, पीछे की जितनी भी वीडियोज हैं उनके नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आगे हम बात करें
तो सत्याग्रह का आयोजन की बात आती है कि सत्याग्रह का आयोजन किस प्रकार से चला। तो भारत में विभिन्न नेताओं के द्वारा मिलकर गांधी जी ने अपना संपर्क साधा और जो भी संपर्क था उनका एक फैन फॉलोइंग था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसका रीजन ये था कि गांधी जी का जैसे जो व्यक्तित्व तो देखोगे, जब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1914 के अंदर में आए तो 1915 के करीब में भारत के अलग अलग जगहों पर जो भी आंदोलन चल रहे थे तो उसके अंदर में सपोर्ट किया। जैसे आप बात करो चंपारण आंदोलन का, चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने समझा कि व्हाट इज द पावर ऑफ पीपल, अगर आपके पीछे 100, 200, 500, 1000, 10000 लोग खड़े हों तो आप किसी भी सरकार को किसी भी चीज को झुका सकते हो, ये उनको समझ में आ गया। अगर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये समझ में आ गया उनको। जब गांधी जी ने समझा कि पावर ऑफ पीपल क्या है तो चंपारण आंदोलन के साथ साथ में खेड़ा और अहमदाबाद के अंदर में भी उनका इम्पैक्ट देखा गया। उनके एक एक लेटर से जो अंग्रेजी सरकार थी वो हिल जाती थी, उनके एक आगाज से कि मैं ये करने वाला हूँ उससे अंग्रेजी सरकार हिल जाती थी, जिसके कारण से ना जो पूरा जो इस समय रॉलेट एक्ट का जो टाइम पीरियड चल रहा था उस समय तक गांधी जी का जो संपर्क था काफी ज्यादा बढ़ चुका था लोगों के बीच में, लोगों के बीच में उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसका इम्पैक्ट यह था कि उनके एक आह्वान पे सत्याग्रह के लिए पूरे भारत में लोग तैयार हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठन पे भी उनका नियंत्रण तो नहीं था पर इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। डायरेक्टली वो किसी भी संस्था के ऊपर में नियंत्रण तो नहीं रखते थे पर इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। सत्याग्रह के अंदर में उन्हें लोकप्रिय नेता के तौर पर उन्हें बना दिया। होम रूल लीग के जो लोग थे और मुस्लिम संघ के जो लोग थे उन्होंने भी इसका समर्थन दिया। और यहाँ पे देखोगे चेस्ट फोर्ट के सुधारों के बाद, जो मेंटिंग्यू चेस्ट फोर्ट था उनके सुधारों के बाद ना पूरे अपर्याप्त युवा का भी वर्ग कूद पड़ा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि एक सीमित मात्रा में सुधार किया गया 1919 के अंदर में। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के जो दौरान जो पूरे टाइम पीरियड को अगर आप देखोगे तो एक लोगों के मन में आशा थी, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो भी सुधार किया जाएगा ना वो काफी हद तक बेटर होगा, लोगों के लिए भलाई के लिए होगा। पर जब ये इसका इम्पैक्ट आया रियलिटी में, जब लाए गए सुधारों को, तो एक सीमित मात्रा में सुधार था जो हर वर्ग को नहीं पहुंचा रहा था, सुख नहीं दे पा रहा था, चीजें सही नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद जो युवा वर्ग भी था भारतीय युवा वर्ग वो भी कहीं ना कहीं सत्याग्रह के आंदोलन में कूद पड़ा और वहां पे सपोर्ट देने का निश्चय किया। होम रूल लीग के अगर सदस्यों की बात करोगे तो पर्चों और पोस्टर के माध्यम से लोगों ने रॉलेट एक्ट की जानकारी दी कि देखो आज के समय में क्या है कि एक भी मैसेज को ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, ठीक है, या फिर हमने क्या किया ट्विटर पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हमने डाल दिया, जिसके बाद वो बहुत तेजी से लोगों तक फैलता है, वायरल हो जाता है, एक तरह से वायरल वर्ड आपने सुना ही है, वायरल हो जाता है। पर उस टाइम पीरियड की अगर आप बात करो जहां पे प्रॉपर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर क्या इंटरनेट था ही नहीं, एक तरह से कंप्यूटर नहीं है, फोन नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो किस तरीके से लोगों तक इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जो होम रूल लीग के सदस्य थे उन्होंने पर्चों के माध्यम से, पर्चे छपाए गए, पर्चों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से लोगों तक इसके बारे में जानकारी दी गई कि ये चीज करना है। आज के समय में क्या होता है कि अगर हमें कोई भी मूवमेंट करना है, कोई भी आंदोलन करना है, किसी के लिए इंसाफ के लिए खड़ा होना है, तो वहां पे बस एक बार स्टेटस लगा लो व्हाट्सएप पे या कहीं लगा लो, 10, 12, 20 लोग तो आपके साथ जुड़ जाएंगे, बाकी अगर आप अच्छी सेलिब्रिटी के तौर पर हो तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लोग बहुत खाली बैठे हैं उस तरीके से जुड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी, वहां पे जानकारी के स्रोत बहुत कम थे, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यमों का सहारा लिया जाता था जिसके थ्रू लोग उस जनमानस से जुड़ सके, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन चला, जो भी मूवमेंट चला, उसे लोग जुड़ सके। प्रमुख समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो उसमें इसके विरुद्ध लेख और लिखे गए, ठीक है, जो मतलब रॉलेट एक्ट थे उसके खिलाफ यहाँ पे लेख लिखे गए, इससे जनमत लामबंद होने लगा, जो जनता थी ना वो कहीं ना कहीं जागरूक होने लगी, उसके खिलाफ खड़ी होने लगी ये चीजें गलत है। दिल्ली, इलाहाबाद और गुजरात के अंदर में सत्याग्रह समितियां बनाई गई कि किस तरीके से सत्याग्रह को लीड किया जाना है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर सत्यपाल और हसन इमाम आदि जैसे जो सत्याग्रही आंदोलन थे उन्होंने अपने आप को इसके लिए समर्पित कर दिया कि हम भैया इस आंदोलन के अंदर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ साथ में गांधी ने सत्याग्रह की सभाओं को स्थापना, प्रभुत्व और जन समर्थन जुटाने के लिए अहिंसा में जागरूकता बढ़ाने के लिए बात करी। देश के अंदर विभिन्न मार्गों का दौरा किया, विभिन्न जो भागों देश के विभिन्न भाग थे उसके लिए दौरा किया। यहाँ पे मेन मोटिव रखा गया कि हम अहिंसा के थ्रू जागरूक करेंगे लोगों को, ये नहीं है कि लोगों के अंदर में पूरा जोश भर दो कि वो तलवार लेकर निकल जाए और दूसरे को मार दे। यहाँ पे अहिंसा के साथ जागरूक करने की बात की गई और लोगों का समर्थन जुटाने की बात की गई कि अहिंसा के राह पर चल के लोगों का समर्थन जुटाना है, सत्याग्रह सभा की स्थापना करना है, ये सारा कुछ गांधी जी के अंदर में था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जो संपूर्ण देश था वो हड़ताल का आयोजन करता है 6 अप्रैल को। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद भी ये 9 अप्रैल को गांधी जी का गिरफ्तार किया जाता है, आगे जब इधर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्यों गिरफ्तार किया गया। फिर भी आंदोलन व्यापक पैमाने पर हुआ, इसके लिए हिंसात्मक मोड
ले लिया धीरे धीरे, जैसे आप जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा था ना, तो धीरे धीरे आंदोलन तो बड़े स्तर पर धीरे धीरे फैलता जा रहा था, बहुत बड़े स्तर पर फैलता चला गया, पर कहीं ना कहीं किसी जगह पे हिंसात्मक मोड़ धीरे धीरे लेता जा रहा था आंदोलन। जो लोग थे वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक करने लगे थे, हिंसा करने लगे थे। इस आंदोलन ने जनसमूह में आशा उत्साह पैदा कर दिया। जो जनसमूह आम जनता थी उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक ना जोश आ गया था कि हाँ हमें लड़ना है और हमें ये जीतना है, इस तरीके से जोश आ गया था कहीं ना कहीं। तो जनमानस के अंदर में उत्साह का भी कार्य कर रही थी। सत्याग्रह के क्षेत्रीय अगर प्रसार के बारे में बात करोगे तो सत्याग्रह आंदोलन जाति वर्ग समुदाय पर ध्यान दिया बिना भारी संख्या में लोग शामिल हुए। ऐसा नहीं था, आज के समय में अगर आप कोई मूवमेंट करोगे ना तो कई बार लोग ये कह देते हैं यार ये तो यादव है, यादवों का मूवमेंट है, यादव के पास क्यों जाना, अरे ये तो राजपूत है इसके पास क्यों जाना, ब्राह्मण है इसके पास क्यों जाना। पर उस टाइम पर ना जाति वर्ग समुदाय सबसे ऊपर उठकर सिर्फ वो सत्याग्रह आंदोलन के लोग शामिल हो रहे थे कि हाँ ये चीज हमारे देश के हित में, ये चीज इसको ऐसा करना चाहिए, ये चीज यहाँ पे देखा गया। 1857 के विरुद्ध में जो सर्वाधिक बड़ी हिंसक विद्रोह के रूप में लहर को देखा गया, ठीक है, जो 1857 जैसे आप देखोगे पहला स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे देखा जाता है, जहां पर एक तरह से एक ऐसा मूवमेंट बना जहां पे हमारा देश आजाद हो सकता था। अगर 1857 में हमारा देश आजाद होता तो कहीं ना कहीं आज का जो स्वरूप है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता। चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऑफ द वीडियो भी आपसे पूछना चाहूंगा, 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसको होने के पीछे क्या तत्कालीन कारण था, तत्कालीन कारण किसको माना जाता है, इसको आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट को 1857 के विद्रोह के बारे में पता है। आगे मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र थे हिंसा से वो दिल्ली, लाहौर और अमृतसर, गुजरात जैसे क्षेत्र थे जहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया हिंसा विरोधी लहरों का। गांधी जी के द्वारा विशाल जनसमूह को संबोधित और सत्याग्रह की सभा की स्थापना की गई। 30 मार्च को रॉलेट एक्ट के कानून के विरुद्ध में हड़ताल को रखा गया, ठीक है। उसी दिन जनसभा के दौरान में दंगे और पुलिस कर्मियों के द्वारा फायरिंग की गई। जो भी दंगे जहां पे भी जनसभाएं हो रही थी उसके आसपास में दंगे देखे गए हड़ताल के दौरान में, और वहां पे पुलिस के कर्मियों के द्वारा फायरिंग भी की गई। हिंसा की वजह से गांधी ने स्वयं सेवकों को 6 अप्रैल की हड़ताल में शामिल होने से मना कर दिया। गांधी जी ने क्या कहा कि भैया जो भी स्वयं सेवक है, जो RSS के लोग थे वहां पे, जो उनको मना कर दिया कि आप यहाँ पे इसमें शामिल ना होइए। गांधी जी 9 अप्रैल को आने वाले थे, ठीक है, परंतु उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल के लिए वो आगे के लिए जा रहे थे जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसका रीजन क्या था कि तब मोहम्मद अब्दुल रहमान के नेतृत्व में विशाल जनसंख्या हुई। जब गांधी जी आगे जाने वाले थे तो मोहम्मद अब्दुल रहमान, तो उन्होंने एक विशाल जनसंख्या जनसभा करी। और 13 अप्रैल को रेलवे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल रखी गई और 17 अप्रैल को चांदनी चौक में फायरिंग की गई, ठीक है, दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर में यहाँ पे फायरिंग की जाती है। देखो इसका मेन रीजन क्या था फायरिंग का, और एक ना एक तरह से मूवमेंट बन रहा था अंग्रेजों के लिए भी कि जैसे जैसे ये आंदोलन हिंसक रूप ले रहा था ना, भड़काया जा रहा था या चीजें ऐसी बनती जा रही थी, तो उसके बाद ना वहां पे कहीं ना कहीं वो हिंसक रूप में चलता जा रहा था। अंग्रेज अगर फायरिंग कर रहे थे तो इधर से भी जवाबदेही कार्रवाई की जा रही थी, अलग अलग तरीके से हिंसक रूप ये लेते जा रही थी। ब्रिटिश सरकार के विरोध में अमृतसर में अनेक घटनाएं घटती हैं, ठीक है, जिसके बाद ना जो पंजाब में सिखों के अंदर में असंतोष जो था वो एकदम ऊपर लेवल चरम के ऊपर में पहुंच जाता है, पूरा संतोष की भावना जग जाती है। 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में भीषण हड़ताल हुई थी। ऊपर भी देखोगे तो बैंकों के लिए हड़ताल बुलाया गया, ठीक है, रेलवे के लिए हड़ताल बुलाया गया, और पूरे भारत के अंदर में हड़ताल का आह्वान किया गया कि हम हड़ताल पे हैं। तो 6 अप्रैल 1919 को भी देखोगे तो अमृतसर के अंदर में एक रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में भीषण हड़ताल रखा गया, जिसमें कई स्थानीय नेता, अगर आप बात करोगे तो किचलू और सत्यपाल जैसे स्थानीय नेता थे जो पंजाब के अंदर में प्रवेश पे रोक लगाने के लिए, और अलग अलग अधिक हिंसा भड़क गई। जो मतलब किचलू और सत्यपाल थे पंजाब में आने जाने पर उनके रोक लगा दिया गया, गांधी के प्रवेश पे रोक लगा दिया गया। जैसे गांधी जी ऊपर चले थे 9 अप्रैल को, मैंने जैसे कि अभी बताया तो 9 अप्रैल को चले थे गांधी जी, तो उसके बाद उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिंसा भड़क सकती थी ऐसा उनका मानना था। पंजाब के अंदर में पहले से ही हालत खराब थे जिसके बाद ये चीजें की गई थी। इसके विरुद्ध मार्च निकाला गया, पुलिस के द्वारा फायरिंग होने पर लोगों ने संस्थाओं के अंदर पर आक्रमण कर दिया, जो भी संस्थाएं थे उसके ऊपर आक्रमण किया गया। घटना पर नियंत्रण रखने के लिए डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया, एक तरह से मान लो धारा 144 लगा दिया कि भैया यहाँ पे कोई भी लोग इकट्ठे ना हो, ये चीज ना हो, वो चीज ना हो, ऐसे करके पूरा मार्शल लॉ डायर जनरल डायर के अंडर में लगाया गया। 13 अप्रैल 1919 की घटना सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है, ठीक है, जहां पर अनजाने में जो गांव वाले लोग थे वो वैशाली के दिन था और स्वर्ण मंदिर पे गोल्डन टेम्पल के अंदर में आ जाते हैं, और वहां पे एक स्थित जलियावाला बाग, पास में एक जलियावाला बाग है,
वहां पे चले जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। इसका रीजन ये रहता है कि लोगों को, जो भी लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंचे, तो उनको एक खबर मिला कि यहाँ पे जनसभा हो रही है, क्रांतिकारियों की जनसभा हो रही है, जहां पर बहुत बड़ी भीड़ आई हुई है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसके बाद जो भी लोग स्वर्ण मंदिर में आए हुए थे, जलियांवाला बाग में आए हुए, जो स्वर्ण मंदिर में आए हुए थे बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए, वो जलियांवाले बाग में चले जाते हैं। वो निर्दोष लोग होते हैं, निहत्ते लोग होते हैं, वो जलियांवाले बाग में चले जाते हैं, जिसके बाद जनरल डायर ने बिना चेतावनी की भीड़ के ऊपर में गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, और अगले दिन पंजाब के अन्य शहरों के अंदर में भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। इसका मेन रीजन ये रहता है कि अगर मार्शल लॉ या धारा 144 नहीं लगाया जाएगा तो और भी जगह हिंसा हो सकती है, जिसके कारण से इसको हिंसा को दबाने के लिए वहां पे मार्शल लॉ एप्लीकेबल किया जाता है। अमृतसर की घटना के बाद में वहां पे एक स्मारक बनाया गया, जिसको जनरल डायर को हटाने की मांग भी की गई, जिसके बाद ठीक है। और अभी अगर आपने अभी इस समय जलियांवाला बाग नहीं गए हो कभी, तो अगर आपका कभी टूर बनता है तो जरूर जाओ वहां पे, जरूर विजिट करो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है। किस तरह से गोलियां दीवार में चली थी, क्या है, अभी तो बहुत ज्यादा विकसित की गई है उसको। पहले आज से अगर आप 8-9 साल पहले जाते ना, तो नॉर्मल जो दीवारें थी काफी हद तक उनका दयनीय दशा थी, पर अभी मोदी सरकार के द्वारा अगर बीजेपी गवर्नमेंट को देखोगे आप वहां पे जलियांवाले बाग में, तो उसको काफी इंप्रूव किया गया, उसको उस तरीके से एक यादगार के तौर पर रखा गया संजोकर, कि किस तरीके से दीवार के अंदर में गोली चली, कितनी गोलियां चलाई गई, क्या चीजें, तो प्रॉपर आपको जानकारी मिल सकता है। पहले के टाइम पे अगर जाते ना, आज से 8-9 साल पहले, तो एक खंडर टाइप का था। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है, अगर कभी आपको मौका मिलता है इन लाइफ, तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है, कि किस तरीके से क्या घटना रहा, क्या दृश्य रहा। और पूरा जलियांवाले बाग की बात करोगे तो बड़ा सा ग्राउंड जैसा था, और उसके अंदर में एक सिंपल छोटा सा गेट था, जहां से एक ही एंट्री का गेट था, एक ही एग्जिट का गेट था, इसी से घुसना, इसी से निकलना है। जब जनरल डायर के द्वारा यहां से गोली चलाई गई ना, तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि वो भाग के इधर आ सके, उधर जा सके। कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, और इसी तरह से पूरा जनमानस जो था वहां पे एक अच्छा खासा, मतलब नरसंहार के तौर पे उसको हम देखते हैं, उसको याद करते हैं। अहमदाबाद के अंदर में भी रोलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन हुआ। यहां पर एक जनसभा के अंदर में 6 अप्रैल को शोक दिवस के रूप में मनाने की तैयारी की गई, परंतु गांधी की गिरफ्तारी के बाद किसान और मजदूर और जनता, जो आम जनता थी, वो भड़क उठी और सड़क पर उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसके विरुद्ध भी पुलिस ने फायरिंग का सहारा लिया, फायरिंग की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदूलाल के आदि जो से शांति की अपील के बाद भी उपद्रव चलता रहा। ठीक है, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके खिलाफ वहां पे उपद्रव किया गया। ठीक है, और अलग अलग जगह पे प्रदर्शन यहां पे स्टार्ट किया गया। 13 अप्रैल को गांधी ने सरकार से अनुमति लेकर जनसभा का आयोजन किया, लोगों को उपवास रखने और अपराध स्वीकारने के लिए कहा। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि देखो भैया, जो भी जिसने भी अपराध किया है, कि मैंने इस बंदे को मारा, इसने मैंने ये नुकसान पहुंचाया, सबसे पहले तो अपना अपराध जो भी उसको एक्सेप्ट कर लो, लोगों के सामने, पुलिस के सामने जाके सरेंडर करो। और दूसरा चीज क्या, कि जो लोग की डेथ हो गई है उसके लिए उपवास रखो, एक दिन का व्रत रख लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह से उपवास रखने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया लोगों को। साथ साथ में आप देखोगे तो बिहार, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर में भी कई दुकान हड़ताल हुई और कई सारी दुकानें बंद रखी गई। ठीक, गांधी के रिहा करने के बाद जो नाखुदा मस्जिद के ऊपर में, ये वेस्ट बंगाल के अंदर में नाखुदा मस्जिद है, वहां पे हिंदू और मुसलमानों का जमावड़ा देखा गया, एक मीटिंग तौर पे बुलाई गई। और यहाँ पे देखोगे गांधी ने सत्याग्रहियों को सुझाव दिया कि वे अस्थायी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो भी है बंद कर दें, जो भी आंदोलन चल रहा है उसको बंद कर दें। सत्याग्रह की जो मूलभूत सिद्धांत है उसको मजबूती से फॉलो करें। मूलभूत सिद्धांत क्या था, कि हिंसा नहीं करना, ये प्रमुख सिद्धांत के तौर पर जाना गया। और गांधी जी ने कहा कि जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको बंद कर दें, और सत्याग्रह का जो सिद्धांत है हमारा, मूलभूत सिद्धांत है, जहां पे जिसके पूरे बेस के ऊपर में सत्याग्रह मूवमेंट टिका हुआ है, उसको बारीकी से फॉलो करें, उसको ध्यान से फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आप, मतलब, हमें पीछे कर रहे हो, इनका गांधी जी का मानना था। असफलता के बाद में यहाँ पे देखोगे रॉलेट सत्याग्रह का जो इतिहास है वो एक नया मोड़ ले लेता है, और यहाँ से इसको स्वीकार भी किया जाता है, जिसके बारे में बात करते, टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करे थे। अब देखो 1919 से पहले तक की अगर आप देखोगे ना, जलियांवाले बाग हत्याकांड से पहले तक का, तो जो जनमानस था, भारतीय लोग था, वो सोया हुआ था। कुछ लोग जागरूक थे जो आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग जगह प्रचार प्रसार करते थे, पर 1919 के अंदर में जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहां पे इतने सारे लोगों की डेथ हुई, उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में आक्रोश आ गया कि भैया हम तो इसको खाड़ फेंकेंगे, मारेंगे, भगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे परिवर्तन देखा जाता है, और यहाँ पे इतिहास में इस मूवमेंट को दर्ज किया गया कि किस तरह से रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट अगर आता नहीं तो लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, अगर गिरफ्तारी नहीं होता तो गांधी जी इसके विरोध में नहीं उतरते, अगर विरोध में नहीं उतरते तो सत्याग्रह आंदोलन नहीं होता, अगर सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्ट नहीं किया जाता तो दंगे नहीं होते, अगर दंगे नहीं होते तो 1919 का हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड भी नहीं होता। तो एक तरह से इम्पैक्ट था रॉलेट एक्ट का, और बाकी चीजों का इम्पैक्ट था, जिसके कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है।
मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगती है, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और हम अपने गोल की ओर और आगे बढ़ पाते हैं। आपको नोट्स चाहिए, गूगल ब्लॉगर पर जाके आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स और चैप्टर के डले हुए हैं। जो भी चैप्टर अभी पीछे मैंने कुछ टाइम में करवाया उनके नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।